इसलिए बनाया गया है ताकि भारत ज्ञान की महाशक्ति बनकर उभरे नॉलेज सुपर पावर सो लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर द एम्बिशन ऑफ दिस इनिशिएटिव ऑफ दिस प्रारूप ऑफ दिस ड्राफ्ट दिस इज़ अ बिग एजेंडा बिहाइंड इट एंड कैन वी बिकम द नॉलेज सुपर पावर दिस इज ऑल इंटेंडेड इन दिस ड्राफ्ट हम लोगों ने बात की पांच पिलर्स की हमने बात की एक्सेस की शिक्षा की पहुँच हम सोचने का प्रयास करेंगे आज के डिस्कशन में कि क्या शिक्षा उन सुदूर क्षेत्रों तक पहुँच पाता है उन ट्राइबल विलेजेस तक पहुँच पाता है और नहीं पहुँच पाता तो इसका क्या रास्ता है कैसे इसे पहुँचाया जाए सामर्थ्य की बात करनी थी सामर्थ्य की बात की गई अफोर्डेबिलिटी हु ऑल कैन अफोर्ड एजुकेशन एंड इफ़ नॉट देन वट इज़ द वे दैट इट कैन मेक अफोर्डेबल to all the children who are in need who are at the base of the pyramid इक्विटेबिलिटी हिस्सेदारी की बात हो रही है अकेले ये काम नहीं हो सकता ये एक कलेक्टिव एक्शन है हर किसी को सामने आना है हर किसी की जिम्मेदारी है सिर्फ विद्यालय प्रबंधन समिति सिर्फ राज्य सिर्फ सरकार हम कहें कि सरकार का काम है सरकार ने पॉलिसी बना दी सरकार को इम्प्लीमेंट कर देना है और बस एजुकेशन बदल गया और भारत ज्ञान की महाशक्ति बन जाएगा ऐसा नहीं होने वाला इट हैज़ टू बी एक्विटेबल गुणवत्ता की बात हमने की है बहुत सारे डिबेट्स हुए हैं बहुत सारी डिस्कशंस हुई हैं कमेंट्स आए हैं इंडिया के एजुकेशन की क्वालिटी के बारे में इस क्वालिटी को कैसे सुधारा जाए किस किस स्तर पर सुधारा जाए कैसे ब्रेक करके अलग अलग टीयर को टच किया जाए ताकि जो एजुकेशन की क्वालिटी है इसको इम्प्रोवाइज़ किया जा सके इस मुद्दे पर भी हम लोगों ने चिंतन करना है और पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है वो है उत्तरदायित्व अकाउंटेबिलिटी किसकी जिम्मेदारी है क्या सिर्फ सरकार की राज्य की या हमारी भी जिम्मेदारी है पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है समाज की भी जिम्मेदारी है समाज के लोगों की भी जिम्मेदारी है ये पांच पिलर्स हैं जिसके बारे में जिक्र किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप में रिफ़ॉर्म्स की जब मैं बात करता हूँ तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर रिकमेंडेशंस आए हैं और बहुत सारी चीज़ें प्रस्तावित हैं इस प्रारूप में एक छोटा सा बुलेट मैं आपको बुलेट के तौर पर प्रेजेंट करना चाहूँगा विद्यालय पाठ्यक्रम अर्थात करिकुलम जिसे अपग्रेड करने की बात की जा रही है जिसे कस्टमाइज करने की बात की जा रही है आज के आवश्यकता के अनुसार आज के ज़रूरत के अनुसार अध्यापन कला पैडागॉजी कैसे इसे फर्दर इम्प्रोवाइज किया जाए इसके संदर्भ में डॉक्टर चतुर्वेदी ने और शुरुआत में मित्तल साहब ने भी इसके बारे में बात की है तो ये भी प्रस्तावित है उच्च शिक्षा के बारे में और उच्च शिक्षा को तीन अलग अलग टियर में कैसे एड्रेस करना है कैसे बेटर करना है इसकी भी बात की जाएगी परीक्षा प्रणाली में बदलाव लाना है ये बदलाव कितना कारगर होगा क्या हम सारे सभी लोग इस बदलाव के लिए आपको लगता है कि हम तैयार हैं या हमें और भी तैयारी करने की आवश्यकता है क्या ये बिल्कुल पश्चिमी देशों के अनुसार हम इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने देश में ये भी एक मुद्दा है शिक्षकों का प्रशिक्षण हमने बात किया इसके बारे में एजुकेशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क शिक्षा नियामक ढांचा ये कैसा होना चाहिए सेंटर का रोल क्या होगा स्टेट का रोल क्या होगा कौन कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होंगी इन मुद्दों पर भी रिकमेंडेशंस आए हैं और बहुत सारी चीज़ें प्रस्तावित भी की गई हैं एंड मीटिंग द शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन साइंस टेक्नोलॉजी एकेडमिक्स एंड इंडस्ट्री यदि मैं बजट की बात करूं तो बहुत सारे आंकड़े प्रस्तुत किए गए पहले वाले सेशन में और हमने देखा कि लगभग एक लाख करोड़ का बजट है शिक्षा के लिए विच कम्स टू समय लाइक टू पॉइंट सेवन परसेंट ऑफ़ द जी एन पी विच इज़ सकल घरेलू उत्पाद जो हमारा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद उसका लगभग तीन प्रतिशत शिक्षा के लिए uh, अभी तक खर्च किया जाता है और प्रस्तावित है इसका दुगना, छः प्रतिशत लगभग दो लाख करोड़ रुपये इज़ दैट इज़ दैट बजट इनफ फॉर मीटिंग द इन्फ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट क्वालिटी ऑफ़ एजुकेशन ऑन ऑल दैट फाइव पिलर्स टॉक अबाउट अफोर्डेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी इन एवरी थिंग सो ये भी एक मुद्दा है जिसे बात करना है छः छः साल से चौदह साल तक आर टी ई था जो अब तीन साल से अठारह साल तक करने की बात है हम बात करेंगे हम सारे लोग इस फ्लोर को ओपन करेंगे और आप लोगों की भी राय जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी क्या सोच बनती है इस बारे में क्या आपको लगता है कि ये जो बदलाव प्रस्तावित है ये बदलाव अच्छा होगा इससे बच्चों